दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर वन दुनिया में जो पहली जंग अजीम थी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया में पहली जंग अजीम 1914 को शुरू हुई। ये जंग जो थी एक मुल्क से शुरू हुई और ये पूरी दुनिया में फैल गई। इसकी जो सबसे पहली वजह थी वो ये थी कि दो ममालिक थे जो के आपस में इनकी नहीं लगती थी। एक का नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी और दूसरे का नाम था सर्बिया। इन दोनों ममालिक का एक तनाजा था किसी एक खास जगह पर और इस जगह का नाम बोस्निया था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया को कब्जा कर लिया था लेकिन बोस्निया के लोग चाहते थे कि वो सर्बिया के साथ शामिल हो, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने इन पर अपनी हुकूमत बना ली थी। तो इस वजह से बोस्निया के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े शुरू हुई अपनी हुकूमत के खिलाफ। तो एक दिन ऑस्ट्रिया हंगरी के बादशाह वो गए थे बोस्निया में, क्योंकि बोस्निया वाले ऑस्ट्रिया हंगरी के लीडर्स को पसंद नहीं करते थे। वहां पर एक आदमी ने उनके बादशाह को कत्ल कर दिया और साथ ही वहां पर उनकी बीवी को भी कत्ल कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ये समझती थी कि ये बोस्निया वाले लोग हमें पसंद नहीं करते और इसकी असल वजह सर्बिया है। बोस्निया के लोग चाहते हैं कि वो सर्बिया के साथ मिल जाए, इस वजह से इस कत्ल के पीछे सर्बिया का हाथ है और ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी। सर्बिया एक छोटा मुल्क था जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुत बड़ा मुल्क था। जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी तो उस टाइम USSR जो कि आज का रशिया है उसने कहा ऑस्ट्रिया हंगरी से कि आपने अगर सर्बिया के खिलाफ जंग शुरू की तो हम आप पर हमला कर देंगे। ये सुनकर जर्मनी मैदान में आ गया और उसने रशिया से कहा कि अगर आपने ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला किया तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा। जब जर्मनी ने रशिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया तो फ्रांस जो कि जर्मनी का पड़ोसी था उसने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और यूके जो कि फ्रांस का पड़ोसी है और फ्रांस का दोस्त था उसने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तो एक साइड पर ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी थी जबकि दूसरे साइड पर सर्बिया रशिया फ्रांस यूके जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ एक और नई एम्पायर शामिल होती है जिसको हम ओटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं और ये एक मुस्लिम एम्पायर थी, मुसलमानों की हुकूमत थी यहाँ पर। तो पहले जंग अजीम में और भी बहुत सारे ममालिक शामिल होते गए जिस तरह जापान इटली ये भी जर्मनी के खिलाफ थे पहले जंग अजीम में। तो ये जंग 1914 को शुरू हुई और ये जंग 5 साल तक जारी रही। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया और फ्रांस के कुछ इलाकों को कब्जा कर दिया। तो ये जंग फैलती गई था, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया। उस टाइम पाकिस्तान इंडिया नहीं थे जब और ये इलाके इंग्लैंड के कंट्रोल में थे। चूंकि ये इलाके इंग्लैंड के कंट्रोल में थे तो इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के वसाइल को यूज किया जर्मनी और ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। उस टाइम जर्मनी सुपर पावर था और जर्मनी के पास इतना पावर था कि अकेले कई ममालिक के साथ एट अ टाइम वो जंग लड़ रहा था। और एक तरफ वो यूरोपियन कंट्री के खिलाफ जंग लड़ रहा था तो दूसरी तरफ वो अमरीका के खिलाफ भी उसने जंग शुरू कर दी। अमरीका के खिलाफ जंग इसलिए शुरू कर दी क्योंकि उसे पता था कि अमरीकन जो है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और वो मेरे दुश्मनों को असला सप्लाई कर रहे हैं। चूंकि इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी के दुश्मन थे और अमेरिका उनको असला सप्लाई कर रहा था तो जर्मनी ने अमेरिका के खिलाफ भी जंग शुरू की और ऐलानी जंग किया जिसके बाद अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो गया। स्टार्ट में जर्मनी ने अमेरिका के कुछ बहरी जहाजों को निशाना बनाया और उनको तबाह कर दिया। अमेरिका की इस जंग में शमूलियत की एक वजह यह भी थी कि यूके और फ्रांस ने अमेरिका को बताया कि जर्मनी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और आपका पड़ोसी मेक्सिको में वो आपके खिलाफ उसको भड़का रहा है ताकि वो आप पर हमला कर दे, एक वजह यह भी थी। तीसरी वजह यह थी कि अमेरिका ने सोचा कि अगर इस जंग में जर्मनी जीत गया तो मेरे जो दोस्त ममालिक हैं बर्तानिया और फ्रांस वो तबाह हो जाएंगे और जर्मनी अपने आप को मजीद एक्सपेंड करेगा और वो अपने आप को मजीद पिलाएगा और वो मुझ पर भी हमला कर सकता है। तो एक वजह ये भी थी कि वो अपने आप को बचाने के लिए इस जंग में कूदा। छोटी वजह ये थी कि अमरीका ने ये सोचा कि अगर जर्मनी ने बर्तानिया और फ्रांस पर हमला करके इनको तबाह कर दिया तो मेरी तजारत जो है वो तबाह हो जाएगी, मेरी इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएगी, मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं मुल्क के अंदर वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड हो जाएंगे तो मुझसे लोग कुछ खरीद नहीं सकेंगे। तो इस वजह से वो इस जंग में शामिल हो गया। तो ये बहुत सारी वजहें थी जिसकी वजह से अमेरिका इस जंग में आया और अमेरिका फ्रांस रशिया यूके ऑस्ट्रिया हंगरी इटली जापान की साइड पर आया और दूसरी तरफ जर्मनी ओटोमन एम्पायर और सर्बिया थी। पहली जंग अजीम 1914 को शुरू हुई जबकि 1917 में अमरीका की एंट्री हुई इस जंग में। चूंकि अमरीका के दस्ते ताजा दम थे और वो जैसे ही इस जंग में शामिल हुए एक दो साल के बाद ये जंग खत्म हुई और उन्होंने जर्मनी को शिकस्त दिया और इस जंग की वजह से ओटोमन एम्पायर
एम्पायर जो कि 1299 को बनी थी और 1922 को ओटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे पूरा यूरोप डरता था। फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, रशिया, ये पूरा यूरोप और पूरा एशिया डरता था और कोई भी इसके खिलाफ जंग नहीं लड़ सकता था, जिसकी वजह से ओटोमन एम्पायर ने तकरीबन 700 साल से ज्यादा मुसलमानों की हुकूमत कायम दायम रही। ओटोमन एम्पायर के टूटने की वजह से फिर मुख्तलिफ ममालिक बन गए, जिस तरह इराक, मिस्र, ईरान, शाम, लेबनान, फलस्तीन, सऊदी अरब। तो ये ओटोमन एम्पायर के टूटने के बाद ये सारे ममालिक बन गए। 1918 को जर्मनी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और ये जंग खत्म हुई। अमेरिका इस वजह से भी जंग में शामिल हुआ। वो ये कहता था कि मैं इस जंग में इसलिए शामिल हो रहा हूँ कि मुझे इस दुनिया में अमन लाना है। अमन होगा तो कारोबार होगा तो मेरे मुल्क के कारखाने चलेंगे और मेरे मुल्क के शहरी खुशहाल होंगे। तो अमेरिका चाहता था कि दुनिया में जंग ना हो और अमन हो, खुशहाली हो, तिजारत हो, प्रोस्पेरिटी हो, पीस हो, ताकि मेरे मुल्क के कारखाने चलते रहे, फैक्ट्रियां चलते रहे और मेरे मुल्क के जितने भी इम्प्लॉयज है वो खुशहाल रहे। क्योंकि मोस्टली कारखाने, जो बड़े बड़े कारखाने थे, वो अमरीका के थे और वो तिजारत करते थे पूरी दुनिया के साथ, तो वो जंग नहीं चाहते थे। जब पहली जंग अजीम खत्म हुई तो अमरीका, यूके, फ्रांस, रशिया, सर्बिया, इनको फतह नसीब हुई और उन्होंने जर्मनी को कैप्चर कर दिया और साथ ही जर्मनी को इस जंग का जिम्मेदार करार दिया। इस जंग में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जख्मी हुए और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। उस टाइम अमेरिका का सदर के नाम था वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन चाहता था कि दुनिया में अमन आ जाए। अमेरिका ने सिर्फ आखिरी 2 साल इस जंग में हिस्सा लिया, लेकिन उसको $32 बिलियन का नुकसान हुआ, 116,000 लोग मारे गए और उन्होंने जर्मनी को शिकस्त दी। अमेरिका के सदर वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट्स सामने लेकर आया कि हमें इस पर अमल करना चाहिए और हमें जंग से दूर रहना चाहिए। वो 14 पॉइंट हम आपको अभी बताएंगे। वो 14 पॉइंट ये थे। पहला पॉइंट ये था कि कोई भी सीक्रेट ट्रीटी नहीं होगी इस दुनिया में। जितने भी ट्रीटीज होंगे दो मुल्कों के दरमियान, इसके मुताबिक पूरी दुनिया को इलम होना चाहिए, कोई भी सीक्रेट ट्रीटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये था कि फ्रीडम ऑफ सीज, के समंदर जो है वो सबका है, इस पर किसी को अपना हक मुसल्लत नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये था कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क में अपनी तिजारत करना चाहे तो दूसरा मुल्क इसके ऊपर टैक्स ना लगाए। चौथा पॉइंट ये था कि जितने भी जंगे होती है वो इस वजह से होती है कि हर मुल्क ये चाहता है कि मैं वेपन के लिहाज से, हथियारों के लिहाज से एक दूसरे पर सबकत ले जा सकूं। ये नहीं होना चाहिए। जितने भी हथियार है उसको जाया किया जाना चाहिए, ताकि हथियार ही नहीं होगा तो जंग नहीं होगी और जंग नहीं होगी तो अमन होगा, प्रोस्पेरिटी होगी, खुशहाली आएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। पांचवा पॉइंट ये था कि कॉलोनियल क्लेम्स उसको सही किया जाए। कॉलोनीज ये थे कि फॉर एग्जांपल यूके ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को कैप्चर किया था और वो इसको एक कॉलोनी मानते थे कि ये मेरी एक कॉलोनी है। इस तरह फ्रांस ने अफ्रीका के ममालिक को कैप्चर किया था और उनको एक कॉलोनी के तौर पर डील किया करते थे। तो वुड्रो विल्सन जो कि अमेरिका के सदर था, उसने कहा है कि ये वहां पर आप लोग बहुत जुल्म करते हैं तो ये जुल्म भी नहीं होना चाहिए। पहले 5 पॉइंट जो थे वो ओपन वर्ल्ड के लिए थे कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। बाकी जितने भी पॉइंट थे वो टेरिटरीज के लिहाज से थे कि रशिया की जो इस जंग के बाद जो इलाके जिस मुल्क ने कब्जा कर लिए है वो उन इलाके को वापस अपने ममालिक को दे दे। इस तरह छठा पॉइंट था कि रशिया की टेरिटरी को सही किया जाए। उसके बाद बेल्जियम की टेरिटरी को सही किया जाए। 8वां पॉइंट फ्रांस की टेरिटरी को सही किया जाए। 9वां पॉइंट इटली की टेरिटरी को सही किया जाए। 10वां पॉइंट ऑस्ट्रिया हंगरी को डिवाइड कर दिया जाए। 11वां पॉइंट ये था कि सर्बिया की टेरिटरी को सही किया जाए। 12वां पॉइंट ये था कि तुर्की को डिवाइड किया जाए ताकि पोलैंड को बनाया जाए। और आखिरी 14 जो पॉइंट था वो सबसे अहम पॉइंट ये था कि हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे इदारे की जरूरत है जो जंग के शुरू होने से पहले ही जंग को खत्म कर दे। जिस तरह आज यूनाइटेड नेशन है, उस टाइम उन्होंने लीग ऑफ नेशन के नाम से एक इदारा कायम किया जिसका काम ये था कि वो जंगों को रोके और जंगों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। दुनिया में अमन हो, खुशहाली हो, लोगों को रोजगार मिले, फ्री तिजारत हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और इस ऑर्गेनाइजेशन में एक एक करके पूरी दुनिया के ममालिक शामिल होते गए। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ये फायदा भी था कि अगर किसी के ऊपर हमला हो जाए, किसी मुल्क के ऊपर, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन का रुकन हो, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रुकन होंगे वो इसका साथ देंगे और वो इस हमले को रोकेंगे। इसका एक ड्रॉबैक ये था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला अमेरिका नहीं था बल्कि फ्रांस और यूके थे। अमेरिका ने कहा कि मैं इसमें कोई हिस्सा नहीं लूंगा, ये आप लोगों का काम है, मेरा मुल्क आपके मुल्क से बहुत दूर है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका ये आपस में एक दूसरे के नजदीक है, तो इसका चलाने वाला रुकन भी इन ही ममालिक में से हो। तो यूके और फ्रांस जो कि यूरोप के ममालिक है, इन्होंने इसको हेट किया और उन्होंने इसको चलाया, लेकिन वो इसको इस तरह ना चला सके जिस तरह आज यूनाइटेड नेशन को अमेरिका कंट्रोल करता है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन हो, खुशहाली हो, और अब तक 1945 से लेकर अब तक वो कायम है। तो उस तरह वो यूके और फ्रांस लीग ऑफ नेशन को नहीं चला सके, जिसकी वजह से दूसरी जंग अजीम शुरू हुई जो कि 1939 में शुरू हुई और 1945 तक जारी रही। जब पहली जंग अजीम खत्म हुई तो अमरीका, यूके, फ्रांस, रशिया ने
जर्मनी को इस जंग का कसूरवार ठहराया और कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है वो जर्मनी पे करेगा। दूसरा ये कि जर्मनी के इलाकों को कब्जा किया गया, जर्मनी पर जितने भी इलाके थे उनको कब्जा फ्रांस ने कब्जा किया, यूके ने कब्जा किया और भी दूसरे ममालिक ने इसको कब्जा किया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के जो मेन पॉइंट है वो ये थे कि जर्मनी खुद मानेगा, एक्सेप्ट करेगा कि इस जंग के शुरू करने की वजह मेरी थी, मैंने फ्रांस पर हमला कर दिया जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई। दूसरा ये कि जर्मनी 16,600 मिलियन जो इस जंग की वजह से तबाही हुई है वो अदा करेगा। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि जर्मनी अपनी फौज नहीं बना सकेगा बल्कि एक छोटी सी फौज बनाएगा और वो इस तरह नेवल आर्मी नहीं बनाएगा और एक छोटी सी आर्मी बनाएगा जिसमें 6 नेवल शिप्स होंगे और इनके पास कोई टैंक, कोई एयरफोर्स, कोई सबमरीन अफदोज नहीं होगा और बहुत ज्यादा लैंड रकबा जर्मनी से लिया गया और उसको दूसरे ममालिक में शामिल किया गया। जर्मनी चूंकि इस जंग में हार गया था तो जर्मनी के पास कोई और वजह नहीं थी कि वो इस फैसले को माने या ना माने, ये इनके पास इख्तियार में नहीं था और वो हर तरफ से तबाह हो चुका था और जर्मनी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह पहली जंग अजीम ख़त्म हुई और पूरी दुनिया में अमन, खुशहाली और फ्री तिजारत शुरू हुई और इस तरह दुनिया में अमन आता गया। इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी जंग अजीम क्यों शुरू हुई, उसकी क्या वजूहत थी, हिटलर कौन था, मुसोलिनी कौन था और इटली, जापान जो कि पहले जंग अजीम में जर्मनी के खिलाफ थे और वो अमेरिका के साथ थे, दूसरी जंग अजीम में इसकी क्या वजह बनी कि वो उन्होंने जर्मनी का साथ दिया और अमेरिका के खिलाफ हो गए और दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। ये सब कुछ हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में अपनी कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।